नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत में कुलदीप कुमार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बदमाशों पर हंटर लगातार बरस रहा है। यूपी पुलिस बड़े बड़े अपराधियों के एनकाउंटर कर रही है। यूपी पुलिस ने वाराणसी में गुरुवार को 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पूर्वांचल में पुलिस के लिए 1 लाख का इनामी बदमाश रोशन गुप्ता और किट्टू बड़ा सिरदर्द बन चुका था। किट्टू के खिलाफ वाराणसी और गाजीपुर में हत्या के साथ हत्या के प्रयास में 9 और रंगदारी मांगने सहित अन्य आरोपों में 34 मुकदमे दर्ज थे। किट्टू ने ही 28 अगस्त को जैतपुरा के चौका घाट पर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद इसने 15 नवंबर को चौक के सराफा व्यापारी सुरेश सेठ के घर में घुसकर उनको पिस्टल दिखाकर रंगदारी की मांग की थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल गुरुवार रात को जैतपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सरैया डॉट पुल के पास चेकिंग कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि चौका घाट हत्याकांड और चांदी व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले वांछित अपराधी रोशन गुप्ता और किट्टू और उसका एक साथी घटना को अंजाम देने के लिए निकले हैं। जैसे ही रोशन और उसका साथी पुल के पास पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और किट्टू को ढेर कर दिया, लेकिन किट्टू का साथी भाग जाने में सफल रहा। पुलिस को मुठभेड़ स्थल से 2 पिस्टल, काफी मात्रा में गोलियां और एक पैशन बाइक भी मिली है। 2015 में एसटीएफ से एक मुठभेड़ में रोहित सिंह नाम के अपराधी की मृत्यु हुई थी। उसी गैंग का ये सदस्य रोशन गुप्ता भी था और उसी गैंग का सदस्य मोनी चौहान भी था। ऐसे में टीम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, इसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। ये बहुत ही शातिर अपराधी है जिसके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे सिर्फ और सिर्फ हत्या या हत्या के प्रयास के हैं। कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर ये गोली मार चुका है। ये बड़ी चिंता की बात थी, टीम ने इसे बहुत ही बड़े चैलेंज के रूप में लिया। पिछले दिनों से सघनता से इसकी तलाश की जा रही थी, इसके पास वेपन्स होने की संभावना थी। आगामी देव दीपावली के संबंध में सघनता से यहाँ जब चेकिंग की जा रही थी तो ये इस अपराधी को यहाँ पर दौड़ाया गया, क्योंकि इसने पुलिस टीम पर फायरिंग करी। पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग करी, उसमें अभी इस अपराधी की मृत्यु हो गई है। इसका एक साथी भी था जिसकी तलाश की जा रही है, चारों तरफ पकड़ने के लिए बोल दिया गया है। पुलिस का कहना है कि किट्टू का एक साथी भाग जाने में सफल रहा, जल्द से जल्द उसको भी पकड़ लिया जाएगा। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News हिंदी।